गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock और बस सुबह से उठ के मैं रिवीजन प्रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत सारे आ रहे हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज पोस्टर सबमिट भी होना है और सेकंड एग्जाम भी है। और ये देखो पूरा बेड ऐसे सजा दिया है मैंने, बस ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था, काम करना था बहुत सारा, इसलिए तो पोस्टर को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंता में हूँ क्योंकि हम लोग पोस्टर में बहुत मेहनत कर रहे हैं और चांसेस बहुत कम है सेलेक्ट होने के। इस बारे में मैं आगे बताऊंगा व्लॉग में। फटाफट से मैं होता हूँ रेडी, फ्रेशन अप होता हूँ, मुंह हाथ धोता हूँ। आज मेरे को एक टॉपिक है बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ छोड़ दूँ उसको। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो देखता हूँ क्या करता हूँ। करते इस व्लॉग को शुरू गाइस। पूरा ही लिख दिया 1 2 3 तीनों कर दिए। हाँ मुझे दिखा ही नहीं, इतनी चौड़ में कर दिया, 1 2 3 छोड़ना दिखा ही नहीं। मैंने पूरा कर दिया। तो पहले मैं एग्जाम में यही देखता हूँ 7 पॉइंट कौन से दो क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे मैंने देखा था यार, बट ना मेरे को समझ में, मैंने ध्यान दिया नहीं करते करते। कैसा हुआ एग्जाम? प्रॉपर आप लोग का 17 देगा, 18 देगा। अभी कहाँ पे जाना है? सिर्फ बोल दिया आ रहा है। अभी वहाँ जाना है, एग्जामिनेशन हॉल मीटिंग है, सबको जाना है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप? और हमारा एग्जाम फाइनली खत्म हो चुका है। एक प्रेशर पूरा इतना, ये 100% है, इसमें से हाफ चला गया है। और अब दूसरे का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि अब कैसे उसको समझना है। मैंने पेपर में ये गलती करी कि आउट ऑफ 3 हमको 2 क्वेश्चंस करना होता है, बट उस 2 में भी 3 ऑप्शंस है जिसमें से सिर्फ 2 करना था, तो मैंने वो 2 छोड़ के मैंने देखा नहीं और मैंने 3 कर दिया। आई नो ये बहुत, अरे कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आया होगा। मतलब एक ऑप्शन में 3 क्वेश्चन थे, उसमें से एक ऑप्शन में 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से 2 करने थे। एक ऑप्शन में 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 करने थे। प्रज्ञा ने वो तीनों करे, साथ में क्वेश्चन भी करा, तो ये जो करके आई है पेपर वो करके आई है, ये 37 नंबर्स का। हाँ, अगर देखा जाए 7.5 मार्क्स एक्स्ट्रा का पेपर करके आई है ये, तो अगर इसके पास कटेंगे तो जाकर बोलेंगे सर मैंने एक्स्ट्रा लिखा था तो कम कर दो थोड़ा सा। तो अच्छी बात है ना, अगर कम आ रहे होंगे तो उससे ज्यादा आ जाएंगे। सही बात है। मैं सोचूं कि ये इतना लिख के रही है, इसको मैंने जब लास्ट मोमेंट देखा तो ओ शिट, और हमने सर से बात की पोस्टर के बारे में, तो सर ने बोला कि आज लास्ट डेट है, अगर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है तो हमको उनको क्या देना पड़ेगा, एक्लेयर्स लगेगी। और अब एक और नया काम आ गया है, सर ने बोला है कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हमको क्लास में केस प्रेजेंटेशन जो जब जिससे हम बच रहे थे अभी तक, ये फंस गया, वो हमको देना है, तो उसके लिए भी केसेस हमको प्रिपेयर करना होगा और हम आपको आपके साथ में शेयर करेंगे जो हम कि करेंगे। कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, सो फॉर्मेट, प्राइम, सारे सब समझाएंगे आपको आराम से। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम लोग बहुत जल्द शॉर्ट्स में एक चीज और एड करने वाले हैं, वो है ADR रिपोर्टिंग। सोचे कि उनको आप तक पहुंचाएं शॉर्ट्स के माध्यम से जो इजी हो और आपको भी समझ आए, आपको हाँ। समझ में बहुत जल्दी से आ जाए कि ये ड्रग का ADR ये भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ड्रग दिखेंगे आपको कि अच्छा इसका ADR ये भी है, तो हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं वो भी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और भी है कि बहुत जल्दी सेकंड ईयर की वीडियो आने वाली है, अंडर एडिटिंग है, थोड़ा सा एडिटिंग बाकी रह गया है उसका, वो जैसे ही एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको बता दूंगा कब आ रही है वो। एंड वी वांट कि आप उस पे खूब सारा प्यार दो, कम से कम उस पे 500+ लाइक्स तो आने ही चाहिए क्योंकि obviously. इतनी मेहनत हुई है ना उस वीडियो को लेकर, इतनी स्क्रिप्ट राइटिंग करी है हम लोगों ने, इतना सब कुछ समझा है, क्योंकि मैंने बोला कि हमने स्क्रिप्ट इसलिए लिखी क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, हम लोगों को सब कुछ पता है, बट उसको एक्सप्रेस करने के टाइम एट अ टाइम ऑफ कैमरा फेस करते समय हम सब भूल जाते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है ना ये सब ना हो इसलिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी, पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात हो, ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो ना हो, बोरिंग ना हो, सबको ध्यान रखते हुए प्रज्ञा ने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज। एंड यूट्यूब ने हमको कांग्रेचुलेट करा क्योंकि हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो स्लो क्लैप्स।
कांग्रेचुलेशंस। वैसे ये पास था। सो अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, और तो हमने पहले सोचा था कि हम वहीं पे बाहर LG जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है उसके बाहर हम जाके खाना खाएंगे और आप लोगों को सरप्राइज जो है वो भी दिखाएंगे, बट हुआ ये कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और बहुत क्राउड था तो हम वहाँ पे नहीं कर पाए। और हमारे फार्मेसी के डिपार्टमेंट की फैकल्टीज भी आ गई थी वहाँ पे वेन्यू देखने की, अभी जो 26वां कॉन्फ्रेंस है तो खाना पीना एंड ऑल ये सब उसका सब डिसाइड करें, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ से हम स्किप करें। नई जगह दिखाएं आपको जो है ये वाली यहाँ, तो ये हमने सोचा कि इस जगह पे आते हैं, ये एक नया प्लेस है आप लोगों के लिए, हमारे तो बहुत पुराना है। हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आया करते थे क्लास बंक करने के बाद, सारे क्लास के बच्चे जब नए नए आए थे तब। और इधर साइड क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट वगैरह अच्छे अच्छे मैचेस होते हैं, अच्छी पिच भी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया पिच। और ये है पीछे, ये हमारे पीछे है, ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पूरा कॉलेज का, एविएशन डिपार्टमेंट तो है उसका, ये एक एरोप्लेन है मॉडल, और एक यहाँ पे छोटू सा भी प्लेन होगा, छोटू प्लेन ये था। तो यहाँ पे बहुत मजे आते थे फर्स्ट ईयर में। सो अभी जो चीज दिखानी है वो है ये, जो उस दिन हम लाइव कर रहे थे और प्रॉब्लम आ रही थी तो कि नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा था, मेरे लैपटॉप में 2G नेट हो पाता है तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए मैंने मंगवा लिया है ये अर्थनेट की केबल। अब तो ये केबल आ गई है और आज हम ट्राई करेंगे कि हम लाइव आएं और आपके डाउट्स क्लियर करें, बहुत सारी बातचीत करें। हम लोगों को मजा आता लाइव आने में, उस दिन अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम एक ही थी कि लैग बहुत हो रहा था, डिले बहुत हो रहा था, लेटेंसी बहुत थी। तो आज होप्स हो, भगवान से दुआ है कि सब चीजें ना हो, बस ये काम कर दे। मेरा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़े जा रहा है, ये 10 मीटर आई डोंट नो कि ये है भी कि नहीं, मुझे 10 मीटर लग भी नहीं रही है। ये चेक करता होगा मेरे जहाँ पे मैंने वाईफाई लगा और जहाँ मेरा सेटअप है वहाँ तक, अगर आ गई वायर तो ठीक, नहीं आई तो वापस होके 15 मीटर या 20 मीटर करनी पड़ेगी फिर। सो स्टार्टिंग में जो ये वाला एरिया है जहाँ पे अभी एकदम मस्त पिच बन चुकी है और बढ़िया एकदम ग्राउंड बन चुका है, यहाँ पर पहले एकदम बंजर जमीन थी और बसेस वगैरह खड़ी हुआ करती थी, बट नाइक की इंस्पेक्शन आई और यहाँ पर एकदम मस्त जो है वो एक ग्राउंड बन गया, और यहाँ पे मैंने एक दो बार क्रिकेट भी खेला है तो बहुत मजा आता है। यहाँ की पिच बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत बाउंस पिच है इस वाली, और देखो मैं दिखाता हूँ अभी लोग खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है अभी, मेरा बहुत मन करता है खेलने का, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं खेलने जाऊंगा तो मेरा काम पूरा हो नहीं पाएगा। देखो वो लोग खेल रहे हैं, भले मुझसे कीपिंग करवा लो पर मुझे खिला लो। तो नीलेश को क्रिकेट देख के यहाँ पे उसको अपने बचपन की याद आ गई, और वो बचपन में ना मैं और मेरा दोस्त हम लोगों की दीवार बगल बगल में था, तो हम लोग उसके घर पे जाकर कभी मेरे वो छत पे आके हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और दादी दादा जो चिल्लाते थे ना, उसके दादा चिल्लाते, मेरी दादी चिल्लाती थी कि क्या तुम लोग पूरे दिन हल्ला करते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, बट तुमने तो पूरा सेम एक्सेंट निकाल दिया। बट यार उस समय बहुत मजा आता था, उस समय बिल्कुल टेंशन नहीं थी, जिंदगी क्या सही थी यार। सो आज तक मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ प्लेन में, बट प्रज्ञा पांडे बैठ चुके हैं, तो प्रज्ञा पांडे भ्रमर, तो प्रज्ञा पांडे अब एक क्या कहते हैं एरोप्लेन टूर देंगे, लोग घटका टूर देते हैं, एरोप्लेन टूर देंगे आज। तो नीलेश का बहुत मन हो गया था कि क्रिकेट में को खेलना है तो ये जा रहा है उनसे परमिशन लेने, उनसे पूछने की भाई मेरे को एक बॉल, बस एक बॉल खिला दो। इसको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मेरे पीछे कोई आ भी रहा है। और
नाइस यार, तूने काफी अच्छी बॉलिंग करी। निलेश ने एक ओवर में दो बॉल ऐसे डाली जो वाव थी, और सारी बॉल वाव थी। ठीक है, दो बॉल पे विकेट आई, एक बॉल विकेट आई, बॉल डक हो गई। बट मजेदार था, इधर पीछे जो खड़े थे ना वो बोल रहे थे मेरे को खेलना नहीं आता। ये बोल रहे थे कि बढ़िया बॉल डाल रहा है, मेरे को बैट दे, मेरे को बैट दे। बढ़िया था। मेरे को फास्ट बॉलिंग थोड़ी कमजोर आती है, बट मैंने स्पिनिंग जो करता था मैं। निलेश ने कल जो सीरीज देखी उससे वो इंस्पायर हो गया। मेरे पास एक टेक्निक है दोनों साइड स्पिन करने की, इस साइड भी और इस साइड भी। जब सोचता है कि इस साइड आएगी तो अगली बॉल इस साइड आएगी, तब मैं खेल लेता हूँ। नाइस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।